हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, इतने दिन आपको वीडियोस नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। काफी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि सर क्लास 11 न्यू बुक सीजंस के लेसन के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 न्यू अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक के पोएम लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस पोएम की पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो को मैंने एनिमेशन की मदद से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, हमारी पोएम लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग के पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे। और उनकी खासियत ये थी कि वो अपनी पोएम्स में नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स पर फोकस करते थे और फिर नेचर को ह्यूमन बींग्स से रिलेट करके उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करते थे। जैसे कि इसके पहले हमने उन्हीं की पोएम डेफोडिल्स में भी देखा था। पोएम की स्टार्टिंग लाइंस है, आई हर्ड ए थाउजेंड ब्लेंडेड Notes, while in a grove I sat reclined. यहाँ पर blended का मतलब है mixed, grove का मतलब है, अगर simple words में कहूँ तो garden, and reclined का मतलब है lean और lie back in a relaxed position, मतलब एकदम relaxed होकर आराम से किसी के सहारे या किसी चीज का सहारा लेकर के बैठना। तो यहाँ पर poet कहते हैं कि जब वो garden में relaxed होकर बैठे थे तब उन्हें कई सारी mixed आवाजें सुनाई दे रही थी। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि garden में बैठे कैसी आवाज़ें सुनाई दे सकती है। तो वहाँ पर nature की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि चिड़ियों की चहचाहट, हवा की आवाज़ या झरने की आवाज़। नेक्स्ट लाइंस में पॉट कहते हैं, इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। इन लाइंस में पॉट समझाना चाहते हैं कि वो काफ़ी स्वीट मूड यानी काफ़ी अच्छे प्लीजेंट एंड काम मूड में बैठे थे और उन्हें काफ़ी अच्छी थॉट्स आ रही थी, बट प्लीजेंट थॉट के साथ कुछ सैड थॉट्स भी आ रहे थे। क्या थे वो सैड थॉट्स, वो हमें अगले लाइंस में जानने को मिलेंगी। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रन। इस लाइन में हार नेचर को बताया जा रहा है। यहाँ पॉइंट नेचर को अप्रिशिएट करते हैं उसकी ह्यूमन सोल से कनेक्ट करने की एबिलिटी के लिए, यानी ये नेचर की एक बहुत ही अच्छी खूबी है जिससे कि वो ह्यूमन सोल से जुड़ जाती है। नेक्स्ट लाइन है, एंड मच इट ग्रीव्ड माय हर्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। पोएट काफी ज्यादा सैड फील करते हैं और ये सोचते हुए कि कैसे हम इंसानों ने अपने आप को नेचर से सेपरेट कर लिया है, बिल्कुल अपने आप को नेचर से डिस्कनेक्ट कर लिया है, और यही कारण है जिसकी वजह से इंसान दुखी, स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड है। क्योंकि जितना अपने नेचर से कनेक्टेड रहेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे, क्योंकि नेचर हमें अनकंडीशनल लव करना सिखाता है, कैसे सेल्फलेस रहें वो सिखाता है। जैसे कि सन सबको बराबर रूप से रोशनी देता है, कभी किसी को कम या ज़्यादा, ब्लैक एंड वाइट, एज का या जेंडर का भेदभाव नहीं करता है। बट हम इंसान काफ़ी सेल्फिश हो चुके हैं और इसी यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग दुखी रहने लग गए हैं, क्योंकि हम नेचर से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ, थ्रू प्रिमरोज टफ्ट्स इन दैट स्वीट बावर द पेरिविंकल ट्रेल्ड इट्स रेड्स। प्रिमरोज टफ्ट का मतलब है बंचेस ऑफ प्रिमरोज प्लांट। प्रिमरोज एक वाइल्ड प्लांट है जिसके पेल येलो फ्लावर्स होते हैं, तो ऐसे प्लांट के बंच या गुच्छे को प्रिमरोज टफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट बावर का मतलब है एक सुहावनी छांव वाली जगह ट्री के नीचे। नेक्स्ट पेरिविंकल का मतलब है कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें ब्लू, वाइट या पिंक फ्लावर्स उगते हों। ट्रेल्ड का मतलब है टू हैंग ओवर या फिर टू मूव डाउनवर्ड्स ओवर समथिंग। और रेथ का मतलब है अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर्स और लीव्स इन ए रिंग, मतलब फ्लावर को मिलाकर या जोड़कर एक रिंग शेप में फॉर्म करना। ये हम डेकोरेशन के लिए या ग्रेव के ऊपर प्लेस करते हैं। तो इन लाइंस में पोएट ने बताया है कि एक प्लीजेंट शेडी प्लेस में कुछ प्रिमरोज टफ्ट्स और पेरिविंकल उगे हुए हैं और वो राउंड शेप में उगे हुए हैं। नेक्स्ट लाइंस है, एंड इट्स माय फेथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉयज द एयर इट ब्रीथ्स। इन लाइंस में पोएट बताते हैं कि उनको पूरा विश्वास है या बिलीफ है कि हर एक
फ्लावर एंजॉय कर रहा है उस हवा को जिसे वो ब्रीथ कर रहा है। मतलब हर एक फ्लावर काफ़ी ज़्यादा खुश है नेचर में और जो हवा बह रही है उसे ब्रीथ करने में। नेक्स्ट स्टेंजा है, द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड, देयर थॉट्स आई कैनॉट मेजर। इन लाइंस में पॉट बताते हैं कि जो बर्ड्स पॉट के पास बैठे थे वो बर्ड्स हॉप यानी जंप कर रहे थे और खेल रहे थे। उन बर्ड्स के इस खुशी होने के थॉट्स को पॉट मेजर तो नहीं कर सकते थे क्योंकि पॉट उनके बॉडी लैंग्वेज को या उनके वो क्यों खुश थे वो नहीं समझ सकते थे। पॉट उनकी भाषा नहीं समझते हैं। नेक्स्ट लाइन है, बट द लीस्ट मोशन व्हिच दे मेड इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। पॉट उन बर्ड्स की लैंग्वेज तो नहीं समझते बट वो इतना ज़रूर समझ रहे थे उनके मूवमेंट्स को देख कर कि बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और एक शीयर प्लेजर के स्टेट में है। नेक्स्ट स्टेंजा है, द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन टू कैच द ब्रीजी एयर। बडिंग ट्विग्स का मतलब है न्यू बॉर्न ब्रांच। तो जो बड़े ब्रांच से निकली हुई नन्ही सी और प्यारी सी कली है वो जैसे अपने बाहों को फैला रही है ताकि वो भी इस फ्रेश हवा को पकड़ सके। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वाज प्लेजर देयर। इन लाइंस में पॉइट बताते हैं कि पॉइट को ये समझ आ गया है या ये रियलाइज उन्होंने कर लिया है कि वो जहाँ पर है वहाँ पर सुख है। लास्ट स्टेंजा है, इफ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ सच बी नेचर्स होली प्लान। अगर ये विश्वास हेवन से भेजा गया है कि नेचर में सब खुश रहते हैं और अगर ये नेचर का होली या डिवाइन प्लान है, Have I not reason to lament what man has made of men? Wordsworth कहते हैं कि तो क्या मेरे पास लेमेंट यानी दुखी होने का कोई रीज़न नहीं है कि इंसान ने क्या बना दिया है इंसान को। नेचर में इतनी खुशी और सुकून है लेकिन इंसानों के जीवन से तो जैसे खुशी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। एंड मैं आप सभी के कमेंट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ता हूँ तो आप कॉमेंट्स प्लीज जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक और बात, आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपसे पर्सनल कॉन्टेक्ट में रह पाऊंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं नए वीडियो में।